गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विष्णु नारायण सक्सेना। टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। नाउ टू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एंड सेकेंड वन इज दैट what is AC and what is DC. रेक्टिफायर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें AC को DC में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों हुई, और सेकेंड क्वेश्चन, AC क्या है और DC क्या है। So the first question, why we need to convert AC into DC? हमें AC को DC में convert करने की आवश्यकता क्यों है? So answer of this question, the voltage which is supplied at our home is alternating current, basically AC, and our mostly electronics equipment work with DC. जो सिग्नल हमारे घरों में सप्लाई होता है वो अल्टरनेटिव होता है, जबकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे डीसी पर वर्क करते हैं। सो वी डू रिक्वायर अ डिवाइस, हमें एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता महसूस हुई जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एसी सिग्नल एंड व्हाट इज डीसी सिग्नल, या अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली ऐसी करंट होती है जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, मींस एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जिसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, जबकि डायरेक्ट करंट क्या होती है, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट करंट एक ऐसी करंट होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहता है, और डायरेक्ट करंट इज दैट करंट इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। अगर हम अल्टरनेटिव करंट्स की एग्जांपल लेना चाहें, देन साइनोसोडल सिग्नल इज एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव करंट। साइनोसोडल सिग्नल में बेसिकली क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाता है, एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है। ट्रायंगुलर वेव इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव करंट। स्क्वायर वेव इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव करंट। जबकि जो आपकी डायरेक्ट करंट है, इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। आप यहां पर देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, और डिफरेंट टाइप्स के करंट के एग्जांपल्स दिए गए हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। सो वन बाय वन, डेफिनेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज इनटू डीसी। इन हाफ वेव रेक्टिफायर एट द आउटपुट we obtain only half cycle of AC voltage, okay? Whereas full wave rectifier is that device which convert full cycle of AC voltage into DC voltage, as you can also see in figure, okay? जैसा कि figure में दिखाई दे रहा है, जो आपका half wave rectifier है, वह AC की half cycle को DC में convert करता है, जबकि आपका full wave rectifier एसी की पूरी साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, फोकस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर।
फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड देयर आर टू डायोड्स D1 एंड D2 एंड लोड इज कनेक्टेड एट सेंटर टैप्ड पोजिशन. आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर का, इसमें बेसिकली जो फर्स्ट ब्लॉक है वह है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है और इसमें दो डायोड्स हमने यूज किए हैं D1 और D2 और जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वह सेंटर पोजीशन पे कनेक्टेड है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर टैप्ड. ओके, नाउ वर्किंग. Here you can see the first block of full wave rectifier is a step down transformer. The function of step down transformer is to convert high AC voltage to low AC voltage. यहाँ पर आप construction में देख सकते हैं कि जो पहला block है full wave rectifier का वह एक step down transformer है. जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसका फंक्शन क्या होता है, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना. सो व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज, बिकॉज वी कांट अप्लाई हाई एसी वोल्टेज टू अ सेमीकंडक्टर डायोड. हम हाई एसी वोल्टेज को सेमीकंडक्टर डायोड पर अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बर्न द डायोड, आपका डायोड जल जाएगा. So, first we do require a device which can convert high AC voltage to low AC voltage. So, step down transformer is that device which convert high AC voltage to low AC voltage. Now, how we can convert AC signal into DC signal? To know the answer of this question, we need to know something about diode. First thing about diode is a semiconductor switching device which has two terminals, anode and cathode. A diode can be connected in any circuit, either forward bias or reverse bias. हमें डायोड के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने होंगे. डायोड एक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है जिससे सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, या तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस. ओके, नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड बायस एंड व्हाट इज रिवर्स बायस. ओके, व्हेन एनोड ऑफ एनी डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एज शोन इन फिगर. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अगर हम डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और डायोड के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और इस कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और यह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है. ओके, नाउ रिवर्स बायस. When anode of diode is connected with negative terminal of battery and cathode is connected to positive terminal of battery, then diode is in reverse bias and its resistance rises up to infinite. अगर हम diode को reverse bias में connect करेंगे तो इसका resistance infinite हो जाएगा और यह एक ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा. ओके, नाउ फुल वेव रेक्टिफायर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर.
फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज के दोनों साइकिल्स को डीसी में कन्वर्ट कर देता है. ओके, फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट फुल साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज. या फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज के दोनों साइकिल्स को, वेदर इट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल और इट इज नेगेटिव हाफ साइकिल, को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है. वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, एज यू कैन सी इन द फिगर, point A will be at positive potential whereas point B will be at negative potential. So in this condition, diode D1 comes in forward bias whereas diode D2 comes in reverse bias. So as we know, diode D1 will behave like a closed switch whereas diode D2 will behaves like an open switch. So current will start flow from capital A to small a, then small b, then point O. In this way we can see that the direction of current through the load is from small a to small b. So, जैसा कि आप फिगर ए में देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होती है तो जो आपका पॉइंट ए है वह है पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है और जो आपका पॉइंट बी है वह नेगेटिव पोटेंशियल पर है. तो इस कंडीशन में जो आपका डायोड डी वन है वह फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और जो डायोड डी टू है वह रिवर्स बायस में आ जाएगा. तो यहां पर हमने देखा कि जो आपका डायोड D1 है वह चूंकि फॉरवर्ड बायस में है तो वह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा और जो आपका डायोड D2 है वह एक ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा. तो जो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है वह कैसे फ्लो होगी? पॉइंट कैपिटल A से स्टार्ट होगा फ्लो होना, देन पॉइंट स्मॉल A, देन पॉइंट स्मॉल B, and then point O. तो यहां पे हमने देखा है जो लोड के थ्रू करंट फ्लो हो रही है वह पॉइंट स्मॉल ए से स्मॉल बी के थ्रू फ्लो हो रही है और किस डायोड के थ्रू फ्लो हो रही है? डी वन डायोड के थ्रू. Now, during negative half cycle, point A will be at negative potential, whereas point B will be at positive potential. So, diode D1 comes in reverse bias whereas diode D2 comes in forward bias. So current will start flow from point capital B to small a, then small b, then point O. So here current is flowing through diode D2 because diode D2 act as a closed switch. And no current will be flow through diode D1.
अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द लोड इज फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल बी. In this way, we can say whether it is positive half cycle or it is negative half cycle, the direction of current through the load is always from small a to small b. In this way, we can say the full wave rectifier convert the both cycle of AC voltage into DC voltage. तो यहां पर हमने देखा कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाता है और जो भी करंट फ्लो होती है वो डायोड D1 के थ्रू होती है. जबकि जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की जाती है तो आपका जो डायोड D1 है वह रिवर्स बायस में आ जाता है और जो आपका डायोड D2 है वह फॉरवर्ड बायस में आ जाता है. इस प्रकार यह पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी पास कर देता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पास कर देता है. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है और यह करंट को पास कर देता है. जबकि जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है और यह करंट को पास कर देता है. लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिसेबल है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द लोड है वह दोनों साइकिल्स में सेम रहता है. इसीलिए हमें लोड पर जो वोल्टेज मिलेगा वह है आपका DC वोल्टेज होगा. इज दैट क्लियर? ओके. अब यहां पर एक चीज और नोटिसेबल है. अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म्स है उसको देखें तो हम पाते हैं कि यह प्योर DC नहीं है, यह पल्सेटिंग DC है. ओके? हमने डिफरेंट टाइप्स की करंट की वेवफॉर्म्स देखी थी, आप देख सकते हैं यहां पर. जो प्योर DC है उसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जबकि रेक्टिफायर का आउटपुट स्ट्रेट लाइन नहीं है. दिस इज बेसिकली पल्सेटिंग DC. पल्सेटिंग DC मीन्स व्हाट? DC प्लस सम कंपोनेंट ऑफ AC. तो हमें अगर प्योर DC ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए रेक्टिफायर एक सफिशियंट डिवाइस नहीं है. रेक्टिफायर के आउटपुट पर हमें फिल्टर सर्किट यूज करने होंगे. अगर हम रेक्टिफायर के आउटपुट पर कुछ फिल्टर सर्किट लगाएं तो हमें ज़्यादा प्योर DC मिलेगी. और जैसे जैसे हम फिल्टर सर्किट की स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्योर DC मिलने लगेगी. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम पहले ट्रांसफॉर्मर लगाएं, देन फुल वेव रेक्टिफायर लगाएं, और अगर हम एक फिल्टर सर्किट लगा दें तो हमें कंपैरेटिवली प्योर DC मिलेगी. नेक्स्ट क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट फिल्टर सर्किट.